हेलो दोस्तों, मैं हूं करण। आपने सर्कस का ट्रेलर देख ही लिया होगा, यह रोहित शेट्टी के द्वारा बनाया गया है। का सर्कस को कॉपी बताया जा रहा है संजीव कुमार के अंगूर मूवी का, लेकिन एक्सपायर होना तो बनता है ना बोस। इससे पहले रोहित शेट्टी रविंद्र सिंह सिम्मा में एक साथ आए थे, तब से इंतजार था रोहित शेट्टी और रविंद्र सिंह एक साथ कब आएंगे। दोनों एक साथ फिर से आ गए सर्कस मूवी को लेकर। इस ट्रेलर में सर्कस वाली फीलिंग भी आ रही है। शेक्सपियर द्वारा लिखित द कंपनी ऑफ एरर्स के द्वारा लिया गया है। रोहित शेट्टी भी बार बार यही कर रहे हैं, इसके ट्रेलर में डबल रोल नजर आ रहा है। इसमें रणवीर कपूर जो कर रहे हैं वो दूसरे रणवीर कपूर पर नजर आ रहा है। इसका बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास तो होगा। बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी बना लेते हैं। इस मूवी में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, जाधव, पूजा हेगड़े, जैकलिन ट्रेलर में दिखाया जाता है। रोहित शेट्टी ने साल 2021 में सूर्यवंशी को बॉलीवुड की राहत की सांस दी थी और साल 2022 के अंत में वे अपने स्टाइल से अंत करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पत्रकारों को सर्कस का ट्रेलर पसंद आया है। उमेर संदूक और रणवीर सिंह की फिल्म का ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आया है और हमको पर्सनली लगता है कई सारे मसाले फिल्म को खराब कर देते हैं। देखना होगा दर्शकों को यह कितना पसंद आता है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।